चलिए तो आज का ट्राइडेंट स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स में हमारे पास में दो टॉपिक्स हैं, एक ब्रिक्स ब्रिक्स प्लस और एक स्टार सी इनिशिएटिव। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज आपको पता होगा एक रीजनल ग्रुपिंग है जो इस तरह का कुछ मैप पे दिख रहा है। ये आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसलिए दी गई है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, लेकिन फिर भी इससे आसान तरीका याद करने का, सबसे पहले एक इकोनॉमिस्ट थे जिम नील, इन्होंने 2001 में एक आइडिया प्रपोज किया जिसका नाम ब्रिक्स रखा गया। नाउ ब्रिक्स का वही मकसद है जो कहीं ना कहीं SCO का है, जो कहीं ना कहीं UN का है, बट एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ग्रुपिंग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, हम ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल साउथ से एसोसिएटेड है। इस आइडिया को जो फाइनल शेप दिया गया वो 2009 में दिया गया, तब ये ब्रिक था, और साउथ अफ्रीका 2011 में ज्वाइन हुआ तो लास्ट में ये बन गया ब्रिक्स। तो ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, BRICS, ये 2011 में ज्वाइन हुआ और ये हमारे मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है, एनुअल समिट्स होती रहती है ब्रिक्स की। जो लास्ट समिट थी वो थी हमारी 2023 की समिट थी, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, और इसका जो थीम रहा है ये इसका थीम है जहां पे हम अफ्रीका के साथ में कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इतना ही याद रखिएगा, समिट भी अफ्रीका में हुई और थीम के नाम में भी कहीं ना कहीं अफ्रीका है। मल्टीलेटरलिज्म एक की टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस होगी जिसका कहीं ना कहीं एम जो ब्रिक्स का है वो मल्टीलेटरलिज्म की तरफ ही हमको ले जाता है। लेकिन अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो ब्रिक्स के साथ में एसोसिएटेड हैं। तो ब्रिक्स के अंदर में बहुत सारे मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशंस हमको देखने के लिए मिलते हैं, उनमें से एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब आपको इस अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक में पीछे अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना है तो एक डिक्लेरेशन का नाम याद करना पड़ेगा। क्या नाम है डिक्लेरेशन का? फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। और फोर्टलेजा डिक्लेरेशन में यहाँ पे हमारे पास में एक बैंक क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं NDB। NDB का कॉर्पस है यहाँ पे 100 बिलियन US डॉलर्स, और ये अपनी जो मेंबर कंट्रीज है वहां इकोनॉमिक रिसोर्सेस को प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन के लिए काम करेगा, जरूरतमंद कंट्रीज जो है उनको फंड्स प्रोवाइड कराएगा। अब NDB एक मल्टीलेटरल बैंक है, ये याद रखने वाली बात है। नाउ हेडक्वार्टर्स, हाँ जी, शंघाई से कुछ याद आया? SCO याद आया? चलिए, और रीजनल ऑफिसर्स हमारे पास में जोहानिसबर्ग में एक, साओ पोलो के अंदर गिफ्ट सिटी हमारा, और मॉस्को रशिया, ये हमारे इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। लेकिन कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स? याद रहेगा शंघाई, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। किसको फंड कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन अमंगस्ट ब्रिक्स मेंबर्स। डिस्पैरिटी ऑफ वोट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वन वोट पर मेंबर है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 बिलियन US डॉलर के कॉर्पस में जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है उतना आपका वोटिंग परसेंटेज होगा, अनलाइक वर्ल्ड बैंक। यहां पे क्या है? वन वोट पर मेंबर रिगार्डलेस ऑफ देयर शेल्डिंग शेयरिंग होल्डर या इकोनॉमिक साइज। ठीक है, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें बोलते हैं हम ब्रिक्स पे। ब्रिक्स पे इज ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। ये एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि जॉइंटली डेवलप किया है किस किस ने? ब्रिक्स ने, ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज ने मिलकर। नाउ ये एक फाइनेंशियल सेटलमेंट प्लेटफॉर्म की तरह काम आएगा जहां पे मेंबर कंट्रीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके एक दूसरे के साथ में जो ट्रेड हो रहा है उसको सेटल आउट कर सकती है इस पेमेंट सिस्टम को यूज करके। तो आपको इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में कभी स्विफ्ट में कभी इसमें जाने की जरूरत जो पड़ती है वो शायद अब आगे नहीं पड़ेगी। ये कुछ इनिशिएटिव्स के नाम दे रखे हैं, यहां से क्वेश्चन आने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, बट ठीक है। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, पोर्ट कल्चर, ये कुछ नहीं है, ये टीयर 3 टीयर 4 डिप्लोमेसी को एक्सप्लोर करने के एक नए तरीके हैं।
कोऑपरेशंस जैसे बढ़ाए जाते हैं वैसा कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज किए जा रहे हैं. इंपॉर्टेंट सानिया डिक्लेरेशंस, ब्रिक्स का एक डिक्लेरेशन हुआ सानिया डिक्लेरेशन, और दूसरा हुआ किसका, बीजिंग डिक्लेरेशंस. याद रखना इसका एम इंपॉर्टेंट है. सिर्फ जब भी डिक्लेरेशन आता है तो डिक्लेरेशन किसका है, पेरेंट किसका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ब्रिक्स का डिक्लेरेशन था, ठीक है, और उसके बाद में एम. नाउ व्हाट इज द एम ऑफ सानिया डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिक्स, एम्स एट इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट एंड कोऑपरेशन विद द नॉन ब्रिक्स कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली द डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि ग्लोबल साउथ की जो इंटरनेशनल अफेयर्स में वॉइस है वो एनहांस हो पाए. तो मतलब ब्रिक्स के अलावा ब्रिक्स अपना नेटवर्क थोड़ा सा और एक्सपैंड करने की जो है कोशिश कर रहा है. बीजिंग डिक्लेरेशन किस बारे में है, मेंबरशिप एक्सपेंशन के लिए. तो चाइना ने प्रपोज किया था कि ब्रिक्स प्लस क्रिएट करना चाहिए ताकि हम प्लस के अंदर और लोगों को शामिल कर सके. ये सिर्फ बात है एंगेजमेंट और कोऑपरेशन तक की, यहां मेंबरशिप की बात नहीं है. किसी भी तरह के एंगेजमेंट कोऑपरेशन, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, कल्चरल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, यहां बात की गई है 2022 में बीजिंग डिक्लेरेशन में. चाइना बोलता है कि हमको ब्रिक्स प्लस की तरफ मूव करना चाहिए, मतलब मेंबरशिप एक्सपैंड की जाए. तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन के लिए मैप यहां दिया गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा. ये वो है जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है. देख रहे हैं आप साउथ ईस्ट एशिया से कुछ कंट्रीज दिख रही हैं आपको. यहां पे आपको दिख रहा है ये साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ कंट्रीज जो है वो अप्लाई कर रही हैं. यहां पे साउथ अमेरिका में हमको ये कंट्रीज दिख रही है मेंबरशिप अप्लाई करती हुई. तो ये वो कंट्रीज हैं जो इस वक्त अप्लाइड मेंबरशिप के लिए है, और ये ग्रीन में हमारी वो कंट्रीज हैं जहां पे 2024 की बिगिनिंग में हम इनको मेंबरशिप जो है वो ग्रांट करने वाले हैं. जी तो ये कुछ छोटा सा लेखा जोखा है ब्रिक्स के बारे में. इसको आप थोड़ा सा रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से मेंबर कंट्रीज और न्यू मेंबर कंट्रीज मिलके एक ब्रिक्स के अंदर जो न्यू मेंबर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं रेड में जो हमारे हाथ में ऊपर मैप में दिखाया गया है, दीज आर द ऑलरेडी मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स. यहां आप देखो बांग्लादेश भी अप्लाई किया हुआ है मेंबरशिप के लिए, ठीक है. तो मैप देख के आपको थोड़ा सा ज्यादा याद रहेगा. नाउ ब्रिक्स प्लस हैज एडेड 6 न्यू मेंबर्स इन 2024, सेट टू एड ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथोपिया. इसको इस मैप से अच्छे से याद किया जा सकता है. ग्रीन वाली कंट्रीज कौन सी हैं जिनको न्यू मेंबरशिप ब्रिक्स प्लस में दे दी गई है, ठीक है. नेक्स्ट स्टार सी इनिशिएटिव के बारे में हम बात करते हैं. स्टार सी इनिशिएटिव क्या है, अभी स्टार सी इनिशिएटिव पैसिफिक कंट्रीज जो है, इंडिया इज कंसिडरिंग टू एक्सपैंड इट्स सोलर स्टार सी टू पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज एज वेल, ठीक है. नाउ व्हाट इज द प्रोग्राम ऑल अबाउट, यहां पे हम अपनी सोलर पावर इकोसिस्टम को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं. दिस इनिशिएटिव इज रन बाय हु, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. आपको याद होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने ही प्रपोज किया है. नाउ इन पार्टनरशिप विद UNIDO, United Nation Industrial Development Organization. तो International Solar Alliance और UNIDO की combined initiative में हम Star Sea Alliance या Star Sea Initiative की बात कर रहे हैं. Aim आपको बड़ा क्लियरली है, जो आपको पता लग गया होगा कि हमको सोलर कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो हम कोशिश करेंगे जहां पे वो ट्रॉपिकल रीजन में जहां पे मैक्सिमम हमारी सनलाइट आती है वहीं से हमारा स्टार इंटरनेशनल सोलर लाइंस भी शुरू हुआ, वहीं से हम शुरू करेंगे. ऐसे इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जनरेट करनी है और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करना है, इनिशिएटिव्स को लेना है जो कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके. इसको फंड कौन कर रहा है हमारे पास में,
फ्रांस, ये तो खैर रिडंडेंट है पढ़ना भी, क्योंकि ये सब कहानी हम कवर कर चुके हैं। हाँ जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर किसका प्रपोज किया गया था, जॉइंटली बोलते हैं कंसीव किया था इंडिया और फ्रांस ने, लेकिन प्रपोज हमने ही किया था, हमारा ही कंसेप्शन था इसमें। 21st कॉन्फ्रेंस जो COP21 हुई थी 2015 में पेरिस में, हमारे मोदी जी ने प्रपोज किया था कि हम एक ऐसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना सकते हैं। इस वक्त 93 मेंबर कंट्रीज हैं और 155 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं। नाउ ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, पहले था कि हम जो ट्रॉपिकल रीजन में कंट्रीज फॉल कर रही हैं उन्हीं से हम मेंबरशिप लेने की कोशिश करेंगे, वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आनी चाहिए। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एलिजिबल हैं ISA को ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा, क्योंकि हमने ही तो प्रपोज किया था। तो हम चाह रहे हैं कि जो एनर्जी के इश्यूज हैं उसको हम सोलर एनर्जी सॉल्यूशन से सॉल्व कर दें। इस इनिशिएटिव का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अब आपसे पूछ लिया जाए ये हॉट है आज का, टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। किसकी है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या कहती है कि हमको 1000 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट फेच करना है बाय 2030, ताकि हम एनर्जी जो है 1000 मिलियन लोगों तक पहुंचा पाए बाय इंस्टॉलिंग हाउ मच, 1000 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी। याद रखना 1000 का पूरा गेम, 1000 बिलियन डॉलर्स हमको इन्वेस्ट करवाना है, उससे हमको 1000 मिलियन पीपल तक इसको पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? जब ये इन्वेस्ट करेंगे हम 1000 गीगावाट्स एनर्जी में। बस हो गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टार सी इनिशिएटिव। रेस्ट वील कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, न्यू टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।